हेलो डियर स्टूडेंट आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है तो आप सब सी ई टी का एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या कर रहे हो प्रिपेयर असिस्टेंट प्रोफेसर का या किसी भी बॉटनी का कोई भी एग्जामिनेशन हो बॉटनी का कोई भी एग्जामिनेशन हो हमारा यूट्यूब चैनल उसी के लिए डेडिकेटेड है तो हम अपने यूट्यूब पे अभी तक तो क्वेश्चन ही सॉल्व करा रहे थे अब धीरे दी, धीरे एक एक टॉपिक भी हम डिस्कस करेंगे अगर आपको पूरा साथ में देखिए पढ़ना है हमसे तो हमारा कोर्स भी चलता है देख रहे हैं यहाँ पे ये पहले बैच में 208 लोग लगभग 205 प्लस लोग ज्वाइन हैं तो यहाँ पे हम सब कुछ पढ़ाते हैं ये जैसे टेडो फैटा हम देखे आडियो नोट लेक्चर वेक्चर सब चीज देते हैं यहाँ पे टेडोफाइटा का पी पी टी चार लेक्चर में हमने टेडो फाइटा पढ़ा दिया है तो देखिए जो भी चैप्टर है हम टेलीग्राम पे ही सारा देते दे हैं आपको कोर्स का फी तो पता ही है ट्वेंटी फाइव हंड्रेड में हम सब कुछ आपको प्रोवाइड करते हैं तो अगर आप सी के लिए सी के लिए एम या कोई भी एग्जाम बॉटनी के लिए आप तैयारी कर रहे हो तो हमारा कोर्स आपके लिए बेस्ट रहेगा आप ज्वाइन कर सकते हो अगर आपको बेसिक क्लियर है कोर्स में नहीं आना है अगर आपको सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है तो सिक्स हंड्रेड में हम मॉक टेस्ट देते हैं जहाँ पे आपको हम नोट्स आडियो नोट और जो हमारा मॉक टेस्ट होता है उसका वीडियो सोलूशन भी दे देते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हो तो चलो आज हम इस लेक्चर में टेरिडो फाइटा का स्टीलर सिस्टम के बारे में थोड़ा हम समझ लेते हैं तो आखिरकार ये स्टीलर सिस्टम क्या है स्टील क्या है देखो नॉर्मली जब हम देख रहे थे हमने क्या पढ़ा था हमने एल देखा था शुरू में हमने क्या देखा था फंजाई देखा था फिर क्या आए इसके बाद ब्रायो आए थे तो देखो इसमें तो जनरल बॉडी सरफेस से सारा चीज काम हो रहा था फंजाई तो ऐसा था कि वो फोटोसिंथेसिस कर नहीं सकता वो तो हेटरोटॉपिक मोड न्यूट्रीसो कर रहा था ब्रायोफाइटा पहले ऐसे प्लांट बने जो पानी में से निकल के ज़मीन पे आए अपना इस्टेब्लिशमेंट इस जमीन पे किए लेकिन इनके पास भी ऐसा कोई सिस्टम नहीं था वाटर और फूड लेने के लिए लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसे पेरेंट काइमेटस टिशू थे जिसे हमने लेप्टोइड और हाइड्रॉइड बोला उसके हेल्प से ये कुछ कुछ तो करते थे ठीक है फिर क्या है आखिरकार आपके टेरिडो फाइटा है टेरिडो फाइटा टेरिडो फाइटा है इनको हम बोले वेस्कुलर क्रिप्टोगैम या स्नेक ऑफ द प्लांट किंगडम हम टेरिडो फाइटा को बोल दिए तो टेरिडोफाइटा में सबसे पहले क्या बना वेस्कुलर सिस्टम देखा गया वेस्कुलर सिस्टम आपको यह बात ध्यान रखना होगा वेस्कुलर सिस्टम आप टेरिडो में कि यहां पे मेन जो कंडक्टिंग टिश्यू बना मेन कंडक्टिंग टिश्यू जो था कंडक्टिंग टिश्यू जो था यहां पे देखो वेसल आ, किसी किसी मिलेगा लेकिन मेन कंडक्टिंग टिश्यू जो था आपका ट्रिकाइड था ठीक है वेसल तो देखो टेरिडो में भी सही से नहीं डेवलप था ना जिम्नो में डेवलप था वो जाके एनजीओ का कैरेक्टरिस्टिक बना वेसल तो अब भैया स्टील बने अब स्टील के क्या क्या चीजें हैं आपसे सिंपल क्वेश्चन टेरिडोफाइटा से ही पूछा जाता है कि एम्फी एम्फीफ्लोइ सिफोनो स्टील कहाँ पे है सोलनो स्टील क्या होता है या आपसे पूछा जाता है एक्टिनो स्टील लाइकोपोडियम के किस स्पीसीज में मिलता है प्लेक्टो स्टील कहाँ पे मिलता है तो ये सब देखो मोस्टली जो है 1886 में स्टीलर थ्योरी के बारे में डोलियाट और वार्टी को हमने बता दिया आगे हम स्लाइड में देखेंगे बात ठीक है तो दो तरह के आपके स्टील बने पहला स्टील था जहाँ पे सिर्फ जाइलम का जो कोर था उसको फ्लोयम घेरे हुए जैसे ये मान लो जाइलम है इसको बस फ्लोयम घेर ले रहे हैं पित्त यहाँ पे अपसेंट है तो इसको हमने प्रोटो बोल दिया बेसिक समझो अगर इस जाइलम के बीच में बीच बीच में क्या आ जा रहा है खाली जगह खोखला जगह या पिथ बन जा रहा है तो हम इसको बोलते रहे हैं अगर पिथ बन जा रहा है यहाँ पे क्या बन जा रहा है पिथ आ जा रहा है तो इसको हम बोल दे रहे हैं सिफोनो स्टील देखो अगर मोस्ट प्रिमेटिव स्टील की बात करोगे तो प्रोटो स्टील प्रिमेटिव रहेगा सिफोनो जो रहेगा एडवांस रहेगा अभी तो आ, अब जो एनजीएस पम्प हो गया उसमें तो जैसे मोनोकार्ट में एटैक्टो स्टील मिलता है और डाई कार्ट में यू स्टील मिलता है तो ये चीज है अब देखो यहीं पे है आपका आ, फ्लो चार्ट में देख रहे हो गे प्रोटो स्टील है सिफोनो स्टील है डिक्टियो है यू स्टील है प्रोटो स्टील में है, जैसे हैप्लो है एक्टिनो है प्लेक्टो है मिक्सड है पॉली है यहाँ पे क्या है सीफोनो स्टील में हम मोस्टली बात करते हैं इक्टो और एम्फीफ्लोइक का ठीक है और यहाँ पे डिक्टी स्टील होता है फर्न में हम देखते हैं आगे चले चलो थोड़ा से इस पे आते हैं जहां से आपका क्वेश्चन पूछता है क्वेश्चन कहाँ से पूछता है कहता है स्टीलर थ्योरी किसने दिया था तो याद कर लेना डोलियाट और वान टिक ने दिया था स्टीलर थ्योरी के बारे में एट्टीन में कोई भी चीज हो इंडो के अंदर वो स्टील कहेंगे देखो एक सिंपल है ये ई मान लो ये है आपका इंडोडर्मिस ये है आपका पेरी साइकिल पेरी साइकल के अंदर पिथरेज या पिथ रहेंगे फिर क्या रहेगा फिर फ्लोयम रहेगा फिर जाइलम रहेगा बीच में पिथ है तो सिंपल चीज है इंडोडर्मिस को हम नहीं काउंट करेंगे पेरी साइकिल इंडोडर्मिस के अंदर जो रहेगा उसको हम कहेंगे वेस्कुलर बंडल या वो स्टील का पार्ट है तो पेरी जो है फर्स्ट लेयर आप स्टील याद करना कि पेरी इज द फर्स्ट लेयर ऑफ स्टील है अब फाइटा में स्टील के टाइप कौन कौन से तो इसमिट करके थे उन्नीस में उन्होंने टू प्रिंसिपल टाइप ऑफ स्टील पहुंचाना टेरिडोफाइटा के अंदर प्रोटो स्टील हमने जिसमें बताया कि भैया बस जाइलम रहे जाइलम को सराउंड कर दे फ्लोयम ये है प्रोटो स्टील अगर जाइलम के अंदर खाली जगह या बन जा रहा है खोखला जगह या बन जा रहा है पिथ या बन जा रहा है मेड्यूला तो उसे हम सिफोनो स्टील बोलोगे ये सिंपल कॉन्सेप्ट आप याद रखना नहीं होते हैं फ्लोयम है? ठीक है और ये इंडोडर्मि के द्वारा पूरी चीज घिरी हुई है आपको पता ही है अब दिस इज मोस्ट प्रिमेटिव बोथ ऑन्टोजेनेटिकली मतलब डेवलपमेंट के आधार पे और फाइलोजेनी के आधार पर यह सबसे सिंपल है

अब देखो प्रोटो स्टील को चार भागों में बांटा गया बस आपसे ना समझ लो एक एक लाइन में इतना लिखा हुआ है इतना याद करने की जरूरत नहीं है बस एक एक लाइन आपको एग्जाम में आएगा कि भैया एक टीनो स्टील कहाँ पे होता है हैप्लो कहाँ पे होता है प्लेक्टो कहाँ पे होता है मिक्स्ड कहाँ पे होता है। हैप्लो में क्या होता है सिंपल जो प्रोटो स्टील का डिफिनेशन अभी मैं बता रहा था आपसे कि सेंट्रल सिलेंडर कोर ऑफ जाइलम सराउंडेड बाय फ्लोइम तो यही आपका हैप्लो स्टील है ये मोस्ट प्रिमेटिव सिंपलेस्ट टाइप का है। हैप्लो स्टील टर्म दिया था ब्रेब, ब्रेबनर ने 1902 में यहाँ पे क्या होता है सेंटर सॉलिड स्मूथ कोर ऑफ जाइलम सराउंडेड बाय द फ्लोयम तो जो प्रोटोस्टील का डिफिनेशन है वही हैप्लो स्टील का भी है। हैप्लो स्टील कहाँ कहाँ रहता है रैनिया हर्नियोफाइटन कुक्सोनिया अर्लीएस्ट लैंड प्लांट कुक्सोनिया ओके और मेनी लिविंग टेरिटोफाइट जैसे कि सैलोटोम हो गया लाइकोपोडियम का कोई और कभी कभी ये जैसे आपको क्या याद रखना है राइनिया और फाइटान याद कर लो और साइलोटम और मिट्ट साइलोटम याद कर लो यहां पे देखो ये सब जो ये वाला है बहुत रेयर चांस होगा कि ये पूछ सकता है कि सिलेजेनेला क्राइसोकोलस हो गया क्रूसियाना हो 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 गया हो गया हो गया नोई लाइगोडियम लाइगोडियम जो है नेचर का होता है डेडोफाइट ये याद रखना तो यहाँ पे अब देखो एक्टिनो स्टील है तो यहाँ पे जाइलम कैसा हो जा रहा है स्टार सेफ्ड हो जा रहा है जाइलम का स्टार सेफ्ड हो जा रहा है और इसे फ्लोयम घेर रहा है तो ये एक्टीनो स्टील है ये थोड़ा सा एडवांस होता है स्टील से तो सिंपल कहाँ मिलता है ये साइलोटम में मिलता है ठीक है साइलोटम में अब कहोगे सर साइलोटम हैप्लो स्टील साइलोटम मिल रहा था ये भी मिल रहा है था अरे हाँ मिल सकता है हेप्लो स्टील अगर पूछेगा एक्टिनो स्टील तो साइलोटम बताना हैप्लो स्टील भी साइलोटम में मिल सकता है लाइकोपोडियम सेरेटम मोस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट सरनम हो गया सेरेटम हो गया <laughs> ये सब में कन्फ्यूज होते वहां पर कन्फ्यूज नहीं होता लाइकोपोडियम सेरेटम में क्या मिलता है एक्टिनो स्टील मिलता है कुछ फॉसिल फॉर्म हो गए जैसे कि एस्टेरोजाइलान एस्टेरजाइलानोफाइलम यहाँ भी आपको एक स्टील मिलेंगे अब प्लेक्टो जाइलम क्या होता है ना ऐसे थोड़ा सा प्लेट बन जाता है प्लेट लाइक स्ट्रक्चर जाइलम हो जाता है ऐसे ऐसे देखो ऐसे 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 और इसको फ्लोयम घेरता है तो यही होता है जिमर मैन ने इसको इस तरह प्लेक्टो स्टील के बारे में बताया था जिमर मैन ने एक और थ्योरी दिया था बताओ कौन सा थ्योरी है कमेंट सेक्शन में बताओ थोड़ा और वीडियो देखा करो ना तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दिया करो और चैनल पे ऐसे वीडियो देख के चले जाते हो चैनल सब्सक्राइब कर दो हम बढ़िया हाँ काम करते हैं आपके हित के लिए तो प्लेक्टोस्टील देखो लाइकोपोडियम क्लेवेटम ये तो आपको याद रखना ही रखना है लाइकोपोडियम क्लेवेटम और लाइकोपोडियम वैलोबल ये देखो इटैलिक में रहेगा या तो आप ऐसे सिंगल सिंगल ऐसे इसको कर दो अब मिक्स्ड प्रोटोस्टील है इसमें क्या होता है सॉलिड जाइलम कोर जो प्रोटोस्टील का रहता है छोटे छोटे फ्रेगमेंट में टूट जाता है और फ्लोयम में इंबडेड हो जाता है तो इस तरह के स्टील को हम मिक्स्ड प्रोटोस्टील बोलते हैं लाइकोपोडियम सरनम देखो सेरेटम में क्या था एक्टिनो स्टील क्लेवेटम में क्या था प्लेक्टोस्टील और सरनम में क्या है सरनम है आपका मिक्स्ड प्रोटोस्टील तो यही चीज है लेटर प्रोसेस ग्रुप टाइम देखो कभी कभी क्या होता है कि जैसे मिक्स प्रोटोस्टील क्या कि जाइलम का फ्रेगमेंट छोटे छोटे टुकड़ों में टूट के फ्लोयम में इम्बेड हो जा रहा है तो mixed, कभी कभी ऐसा देखा जाता है ना जो जाइलम का फ्रेगमेंट होता है वो पेरें -काइमा सेल में इमेडेड हो जाता है तो ऐसा आसमुंडा रिगेलिस में देखा जाता है रिगालिस ठीक ये देखो ब्लैक हैिक्सड वाला बनाना हो तो ये फ्लोयम हो गया ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों में ऐसे ये मान लो फ्लोयम में फ्लोयम के अंदर ऐसे इम्बडेड हो जा रहा है अब साइफोनो स्टील है देखो इतना लिखा गया है क्या होता है कि अब कुछ टेरिडोफाइटा फाइटा है जैसे कि उनको देखो थोड़ा मु... कुछ है सेकेंडरी ग्रोथ तो ऐसे मिलता नहीं है लेकिन आइसोइट्स हो गया बोटाइक्रम हो गया थोड़ा तो मोटा होगा भैया थोड़ा तो होगा ना तो क्या होगा कि वो अपने सरकुम्परेंस को बढ़ाने के लिए थोड़ा सा तो मोटा होने के लिए बीच में खाली जगह बनाएगा क्योंकि सेकेंडरी ग्रोथ नहीं है तो खाली जगह ही बना के थोड़ा मोटा हो सकता है थोड़ा सा ताकि अपने वो स्टेम उटम को सपोर्ट कर सके तो उसके लिए वो सिफोनो स्टील का डेवलपमेंट होता है सिंपल प्रोटो ही होता है क्या हो जाता है बीच में खाली जगह बन जाता है ओके तो जेफरी ने इसको पहचाना था तो क्या क्या होता है देखो अगर ये सिफोनो स्टील इसमें लीफ गैप नहीं पाया जा रहा है तो उसे क्लैडोसिफोनिक बोलोगे सिफोनो स्टील अगर इस सिफोनो स्टील में लीफ गैप प्रेजेंट हो रहा है लीफ गैप या लीफ ट्रिस्ट तो फाइलोसिफोनिक बोलोगे सिंपल अब देखो ये नहीं पूछेगा आपसे आपसे पूछेगा यही कि भैया सिफोनो स्टील जो है इक्टोफ्लोइक और इम्पोफ्लोइक तो इक्टोफ्लोइक तो में क्या होता है सिंगल फ्लोयम रिंग होता है जाइलम के बाहर जाइलम अंदर बाहर से एक तरफ से फ्लोयम गिरा होता है इक्टोफ्लोइक तो सिफिनो स्टील बोलते हो इक्विसिटम हो गया आसमुंडा हो गया सीजिया हो गया यहाँ पे एम्फी फ्लोइक सिफिनो स्टील जाइलम को दोनों तरफ से फ्लोयम गिरा होता है एक्सटर्नली और इंटरनली याद कर लेना मार्सीलिया का राइजोम बहुत इंपॉर्टेंट है इसके साथ साथ एडियनसम ऊँचता है डरा नहीं याद करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है लेकिन मार्सिलिया एडियनसम याद कर लेना एडियंसम इज द होमोस्पोरस मार्सिलिया इज हेटरस्फोरस ये सब भी है चीज़ें हम पढ़ाए हैं कोर्स में ज्वाइन करना है तो कर सकते हैं वहाँ पे सब कुछ मिल जाएगा पीपीटी भी दे देते हैं हम अब देखो अगर जैसे ऐसा सिफोनो स्टील जहाँ पे ओवरलैपिंग लीप गैप मिल रहा है तो वो डिकटियो स्टील बोलोगे और नॉन ओवरलैपिंग लीव गैप या सिंगल लीप गैप है तो सोलोनो स्टील बोलोगे आगे चलते हैं अब डिक्टियो स्टील यही है कि वो क्या होता है डिक्टियो स्टील जैसे लीप गैप यहाँ पे प्रेजेंट होता है और ये फर्न के राइजोम में मिलता है बस आप एग्जांपल याद करो कि भैया डिक्टिओ स्टील क्या है ड्रैप टेरिस टेरिस और ऑफियो में है आटील विथ ओवरलैपिंग लीप गैप अरे यार लीप गैप जैसे ना क्या होता है देखो बता रहा हूँ आपको सिंपल कि जैसे ये स्टेम है ना ये स्टेम है ना तो स्टेम से क्या होता है लीफ निकलता है ना अब लीप को कोई वेस्कुलर सप्लाई तो चाहिए ना तो लीप जहाँ से निकलता है तो यहाँ पे वेस्कुलर कनेक्शन होते हैं तो एक एक जगह से कई सारी लीप निकल रही है ऐसे करके तो जो वेस्कुलर कनेक्शन है ना एक दूसरे को ओवरलैप कर रही हैं तो वो ओवरलैपिंग लीव गैप है तो इस तरह के डिक्ट स्टील बोलोगे सिंपल पॉलीसाइक्लिक स्टील कई सारे रिंग लाइक -like अरेंजमेंट होता है वेस्कुलर टिश्यू का उसे पॉलीसाइक्लिक बोलते हो तो पॉलीसाइक्लिक जो होता है वो वो कहाँ कहाँ होता है यही आपसे पूछता है तो ये याद कर लेना सिलेजिनेला लेविगेटा यहाँ पे सिस्टीन स्टील मिलते हैं यह बहुत इंपॉर्टेंट है तो देखो अब क्या क्या आपसे पूछेगा पता है आपसे पूछेगा भैया एक ऐसा स्टील का नाम बताओ जहाँ पे है तो क्या बताओगे प्रोटो स्टील स्टीलर थ्योरी किसने दिया था एंड वॉन्टिगोम में मेन कंडक्टिंग एलिमेंट क्या है टेरिडोफाइटा का ट्रेकाइड है आप बताओगे स्टील का पहला लेयर कौन है वो पेरीसाइकल है अगर स्टील के अंदर आ, वो बन जा रहा है पित्त तो क्या कहोगे सिफोनो स्टील बोलोगे एम फी फ्लो सिफोनो स्टील कहाँ है तो मार्सिलिया एडियनसम बताओगे एक्टिनो स्टील पूछेगा तो सेरेटम बताओगे प्लेक्टो स्टील पूछेगा तो क्लेवेटम और वैल्यूबल बताओगे मिक्स्ड पूछेगा तो लाइकोपोडियम सर्नम बताओगे और यही सारा चीज़ यहाँ से छः सात क्वेश्चन बनेंगे वही आपको पढ़ लेना है और काम हो जाएगा ओके चलता हूँ मैं मिलूंगा आपसे अब अब देखो क्या करना है आपको मिलने से पहले आपको जो भी चीज़ मुझे मुझसे पढ़ना है समझना है यूट्यूब पे आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि सर मुझको ये टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है वो पढ़ा दीजिए बॉटनी के ऑल ओवर कहीं से भी कोई भी चीज़ हो नहीं आता रहेगा मैं पढ़ के वीडियो बनाऊंगा और पढ़ाऊंगा ठीक है यहाँ पे भी और कोर्स हमारा चली रहा है ये सब कुछ नहीं पढ़ा दूंगा एक एक करके अपने टाइम के अनुसार मैं यूट्यूब पे बताऊंगा चीज़ें ओके थैंक यू